हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार था। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आप भी अगर कोई बैंक बीसी लेना चाहते हैं, यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे हम ग्राहक सेवा केंद्र भी कहते हैं, तो कैसे लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे मिलता है, क्या खर्च होता है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह के नए वीडियोज में आप तक लाता रहूँ। तो यहाँ पर आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर बताया था। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैंने प्रोसेस किया और जिस जिस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया, उस प्रोसेस को अगर आप भी फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपको भी यहाँ पर सेंट्रल बैंक का जो है सर्विस सेंटर, यानी कस्टमर पॉइंट, या फिर किसी और बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस बैंक का आपको ग्राहक सेवा केंद्र मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ दोस्तों कि कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र लेना है आपको, तो सबसे पहले जो मैंडेटरी होता है वो होता है IIBF का एग्जाम देना। जी हाँ दोस्तों, आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके बाद ही आप कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या ले सकते हैं दोस्तों। IIBF आप एग्ज़ाम कैसे देंगे दोस्तों, तो जो भी आपके नियरेस्ट CSC सेंटर होगा वहाँ से जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर IIBF सेंटर जो होता है नियरेस्ट में वहाँ जाके आप पता करेंगे, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, जहाँ पर 1475 यानी 1500 के आसपास आपको जो है रजिस्ट्रेशन फी लगता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर आपको एक स्क्वायर कार्ड दिया जाता है, जिसमें आपका जो है आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें मार्कशीट दर्शाया होगा। अगर आप पास होंगे दोस्तों तो वहाँ पर आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ग्राहक सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आता है दोस्तों, वो मेल पर आता है, जो इसका समय 40 से 45 दिन का लगता है। 40-45 दिन के बाद जो है वो IIBF का सर्टिफिकेट आता है। बट आप स्क्वायर कार्ड के माध्यम से भी दोस्तों यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ये है कि आपके पास IIBF का एग्जाम दिया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी पास वाला। दूसरा, यहाँ पर कम से कम आप 10th या 12th पढ़े हो, यानी मैट्रिक या फिर इंटर किए हो, तभी आपको यहाँ पर कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र का जो है बीसी पॉइंट मिलता है दोस्तों। तो ये हो गया दूसरी पॉइंट कि अगर आप मैट्रिक या इंटर पढ़े तभी आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मिलेगा कैसे? जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है ये। अब यहाँ पर मिलेगा कैसे? तो जिस भी जगह आप लेना चाहते हैं दोस्तों, जिस भी जगह पर आप अपना सेंटर ओपन करना चाहते हैं, उस एरिया में एक BC रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक BC होता है, वो प्राइवेट BC रहता है। वो BC को आपको संपर्क करना होगा, या फिर जो भी ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं उनसे जाके आप बात करेंगे तो उनका भी नंबर आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद दोस्तों आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के बाद उनको बताना होगा कि ऐसा ऐसा है, मुझे ग्राहक सेवा केंद्र लेना है, इस बैंक का लेना है। अगर उस एरिया पे 5 किलोमीटर के दायरे पे कोई भी बैंक वगैरह नहीं रहेगा ग्राहक सेवा केंद्र उस टाइप का, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। या दोस्तों वो आपको दिला देंगे, जिसमें कि कुछ चार्जेस वगैरह भी लगता है। BC क्या होता है, कुछ अपने तरफ से भी पैसा लेता है, और इसमें लमसम वही 25 से 30 या 35 के आसपास जो है आपको खर्च बैठ जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप 30-35 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर एक ग्राहक सेवा केंद्र दिया जाता है। यहाँ पर कुछ BC भी जो होते हैं वो भी अपना जो है पैसा वगैरह लेते हैं, जो कि वो अपने कमीशन के तौर पर दिलाने का चार्जेस वगैरह लेते हैं, और वो आपको जो है ग्राहक सेवा केंद्र दिला देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आराम से आपको आसानी से एक ग्राहक सेवा केंद्र मिल जाता है, जिसमें कि आपको अच्छी इनकम होने वाली होती है। ग्राहक सेवा केंद्र लेने का फायदा क्या दोस्तों? यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, FD अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर सभी बैंकों का पैसा निकाल सकते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी आपको यहाँ पर मोटी कमीशन मिलती है दोस्तों, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होता है। प्लस कोई भी अगर आप बैंक का लेते हैं BC पॉइंट, तो उस एरिया में आपका जो है एक अलग वैल्यू बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप अकाउंट वगैरह खोलते हैं तो कस्टमर को ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, और उस बैंक का आपको ज़्यादातर करके प्रचार वगैरह नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही उस बैंक, कोई भी बैंक आप लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस एरिया पर प्रचलित रहता है, जिसमें कि भरोसा ज़्यादा होता है, आपके पास अकाउंट वगैरह ज़्यादा ओपन होती है, और जो भी लोग हैं आपके पास पैसा निकालने आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ट्रस्टेड हो जाता है, और आपको भी अर्निंग यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या फिर SBI बैंक हो, यूको बैंक हो, जो भी बैंक हो, इसी प्रकार से सबका मिलता है, जो कि प्राइवेट के थ्रू से ही मिलता है, प्राइवेट BC के थ्रू से ही दिलाया जाता है आपको। फिर उसके बाद आप काम करते हैं और अपनी अच्छी खासी इनकम करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दा है, यहाँ पर अगर आप बैंक बीसी लेंगे किसी भी बैंक का, तो आपके पास यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि आपके पास IIBF का एग्जाम दिया हुआ रहना चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर मैट्रिक कम से कम आप पढ़े हो दोस्तों, और आधार कार्ड पैन कार्ड ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट होती है। आपको अपने बीसी से संपर्क करना होगा, वही ही आपको जो है यहाँ पर दिलवाएगा दोस्तों। तो ये थी प्रोसेस जो कि आप सेंट्रल बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कोई भी बैंक के लिए आप ग्राहक सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करेंगे, और कुछ समय के उपरांत आपको यहाँ पर 1 महीना या 2 महीना के अंदर में ही ग्राहक सेवा केंद्र मिल जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताया, और आपने कौन कौन बैंक के लिए लिया हुआ या अप्लाई किया उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो फिर कितना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।